चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई है हमारी, इसमें मैंने आप लोगों को सेक्शन 17(1) सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस, उसके बाद परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी करवा दिया है। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ, डिडक्शन। डिडक्शन जो है ना, तीन चीजों को मिलता है जब आप सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हो ना, तो डिडक्शन टोटल कितने का मिलता है, तीन चीजों का मिलता है। ठीक है, जब हम इन सारे चीजों को ऐड कर देते हैं, मतलब ये चारों को, सैलरी को, अलाउंसेस को, परक्विजिट को और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी को, तो हमारे को जो मिलता है ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाया जाता, इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाया जाता, ग्रॉस सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्शन जो बचती है ना, उसके ऊपर लगाया जाता है। तो डिडक्शन किस किस चीजों का मिलेगा? सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, एक कंपल्सरी डिडक्शन है। क्या है ये? मिलता ही मिलता है। ठीक है, कितने का मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, अभी मैं आप लोगों को इसका रूल बताने वाला हूँ। तो सैलरी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आप ग्रॉस सैलरी में पहुंचोगे, ये चारों को जोड़ने के बाद। ग्रॉस सैलरी में आने के बाद आप ये तीनों डिडक्शन लोगे। डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम बचेगी, उसको बोलेंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, एक मैंडेटरी डिडक्शन है। मैंडेटरी मतलब आपकी इच्छा है लेने की या नहीं है, वो मैटर नहीं करता, आपको लेना ही है, कंपलसरी है, मैंडेटरी डिडक्शन है, लेना ही पड़ेगा। वो तो फायदा ही तो है भाई एम्प्लॉय का। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसकी डिडक्शन केवल के और केवल सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, अदर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। और कितनी मिलेगी उसका हम डिस्कशन अभी करेंगे, और ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं, फिर से मैं अभी बता दूंगा। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। ये दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इसकी डिडक्शन मिलती है, इसका जो डिडक्शन मिलता है ना, पेमेंट बेसिस पे मिलता है। अगर एम्प्लॉय इसका पेमेंट कर रहा है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बदले पेमेंट कर रहा है, तो ही डिडक्शन मिलेगी, अनपेड रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल बोल सकता हूँ, कंडीशनल है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, और ये इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है कंपलसरी, हमेशा मिलनी है। क्लियर है? चलो, ग्रॉस सैलरी में ये तीनों को माइनस करोगे तो आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगी। तो अपन एक एक करके सारे डिडक्शंस को देखते हैं। देखो, डिडक्शन सबसे पहला डिडक्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। एम्प्लॉय कैन क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू ₹50,000, 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर बोथ रिजीम, एमेंडेड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, एमेंडेड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब असेसमेंट ईयर 13-14 तक ये जो डिडक्शन था, कौन सा वाला? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सिर्फ किसमें मिलता था? ओल्ड वालों को मिलता था, न्यू वालों को नहीं मिलता था। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से ये भी दोनों रीजन वालों को डिडक्शन मिलेगी इसकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, ये कंपलसरी नेचर का डिडक्शन है, लेना ही लेना है आपको, इसमें एम्प्लॉय का फायदा है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब क्या होता है? हम अलाउंसेस जब पढ़ रहे थे, याद अगर होगा आप लोगों को, तो अलाउंसेस तीन टाइप के अलाउंस थे, एक फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुली एग्जम। तो जब हम पार्टली टैक्सेबल में जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे एचआरए के बाद आया था एंटरटेनमेंट अलाउंस आया था। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ताकि वो अपने एम्प्लॉयर की जो क्लाइंट्स या कस्टमर आते हैं, उनकी आवभगत कर सके, उनको एंटरटेन कर सके, चाय पानी नाश्ते के लिए उसके ऊपर खर्चा कर सके। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है ना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर एम्प्लॉय। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जब एम्प्लॉयर से मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो जितना मिल रहा है पहले तो उसको सैलरी में एज अलाउंस जोड़ना पड़ेगा, पूरा फुल अमाउंट जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी है ना डिडक्शन लेने की बारी आएगी, तो डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बस मिलेगी, अदर एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ किसको मिलने वाली है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगी बस। क्लियर है? अब कितनी मिलेगी डिडक्शन, इसके लिए आपको तीन लिमिट देखनी पड़ेगी। एक तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5,000 की। दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिला वो, और तीसरा बेसिक सैलरी का 20%। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कितनी मिलेगी?
मैक्सिमम लिमिट 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी जो भी अमाउंट आएगी, और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड जितना मिला, ये तीनों में जो सबसे कम होगा विच एवर इज लोअर उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी? ओल्ड रिजीम वालों को मिलेगी, ओल्ड रिजीम वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, न्यू वाले में नहीं मिलेगी, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉय कैन क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन अप टू ₹2,500 इफ पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन ले सकता है, कितनी ले सकता है? 2,500 तक की डिडक्शन ले सकता है, अगर वो पे किसके द्वारा किया गया है, पे कब हुआ है? प्रीवियस ईयर के दौरान। अच्छा, इसमें एक चीज है, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट कौन कर देता है? लायबिलिटी एम्प्लॉय की है, लेकिन पे कौन कर देता है? एम्प्लॉयर। तो उस केस में एम्प्लॉयर, क्योंकि लायबिलिटी एम्प्लॉय की और पे एम्प्लॉयर कर रहे हैं, तो उसको परक्विजिट मान लेंगे और उसको अपन ऐड करेंगे पहले जितना एम्प्लॉयर ने पे किया है, और डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट अगर कौन किया है? एम्प्लॉयर किया है। तो एम्प्लॉयर अगर पेमेंट किया, तो पहले उस अमाउंट को क्या करो, परक्विजिट में ले जाके जोड़ दो, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर के नाम से, ठीक है, और डिडक्शन में माइनस कर दो। मतलब पहले अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ऐड होगा, फिर बाद में क्या होगा? माइनस। हाँ, और उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मान लो एम्प्लॉयर ने ₹10,000 का प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया है? तो आप जोड़ोगे कितना ऊपर में, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी? 25। डिडक्शन की लिमिट है, जोड़ने की लिमिट नहीं है, डिडक्शन की लिमिट है, क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो ऊपर जोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या लेना आपको? डिडक्शन, वो भी कितना? ₹2,500 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्लियर है। तो डिडक्शन जब भी आप सैलरी कैलकुलेट करोगे, तो उस केस में आपको तीन प्रकार की डिडक्शन लेनी है। कौन कौन सी? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरा प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंफ्यूज मत होना, असेसमेंट ये 23-24 तक सिर्फ ओल्ड वालों को मिलती थी, 24-25 से दोनों को मिलना चालू हो गई है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट वालों को मिलेगी, और कितना मिलेगी? तीन लिमिट में जो सबसे छोटा होगा उतना मिलेगी, ठीक है। और प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन किसको मिलेगी? एम्प्लॉय को मिलेगी, जब वो पेमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो अनपेड रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कभी कभी पेमेंट कौन कर दिया रहता है? एम्प्लॉयर कर दिया रहता है, तो पहले उसको परक्विजिट में जोड़ेंगे, फिर बाद में डिडक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉय नहीं देखना है, यहाँ पे चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबको मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन है ना, केवल और केवल किसमें मिलता है? ओल्ड वालों को मिलेगा, न्यू वालों को नहीं मिलेगा, क्लियर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये सिर्फ किसको मिलेगा? ओल्ड वालों को, ठीक है। तो ये हमारा डिडक्शन है, रूल वाइज पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। डिडक्शन वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार आप लोग फॉर्मेट देख लो सैलरी की, इनकम कैलकुलेट करने का। सबसे पहले अपने को सैलरी लेना है, अलाउंसेस लेना है, परक्विजिट लेना है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी लेना है, सबको अपन जोड़ दिए तो अपने को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन माइनस कर दो, फिर आपको क्या मिल जाएगा? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। कभी कभी क्वेश्चन में हमको बोलता है ग्रॉस सैलरी बस निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ? यहां आके रुक जाना, आगे मत बढ़ना, क्योंकि निकालने क्या बोल रहा है? अगर वो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी बोल रहा है या फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बोल रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये निकालना पड़ेगा, डिडक्शन माइनस करके निकालना पड़ेगा, क्लियर है। चलो, इसके अपन अब क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है।